क्वांटिटी होगा कुछ इसके साथ। गुब्बारे तो पुश हो गए। नायरा कर रही है मस्ती फन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और बड़ों को नमस्ते, सत श्री अकाल, और छोटों को हाय। और आज का दिन शुरू करते हैं फिर से नए व्लॉग के साथ। तो गाइस, जब से मम्मी पापा गए हैं तब से मैं व्लॉग नहीं बना पाया। कुछ चीजें थी जो हमें कंप्लीट करनी थी वो नहीं कर पा रहे थे। तो या तो एक ही चीज़ हो सकती है, या तो सारे काम निपटा लो या व्लॉगिंग कर लो, और वो काम बहुत ज़रूरी थे तो वो अब निपट गए हैं। और प्रिया भी थोड़ा ठीक फील नहीं कर रही थी, अब वो भी बिल्कुल ओके और बिल्कुल बढ़िया फील कर रही है। तो आज का व्लॉग बनाएंगे हम अच्छे से। तो आइए देखते हैं प्रिया फिर फेवरेट प्लेस पे बैठ के क्या कर रही है। हाँ जी, कैसी तबीयत है? एकदम सुपर फाइन। अब क्या क्या सीन है, मतलब अब करनी है व्लॉगिंग कंटिन्यू? नहीं करते हैं। हमारे सब्सक्राइबर ना ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहीं गायब हो गए 3-4 दिन से हैं। अब फिर आ जाएंगे हम सामने। अब हमने आज से स्टार्ट कर दिए हैं और अब कोशिश करेंगे कि रेगुलर रहे, है ना? क्या कर क्या रही हो? मेरी बात जो मान ली। शाबाश बेटा। हाँ, आपकी बात मान ली इसलिए व्लॉगिंग भी स्टार्ट हो गई है। और जब आज चलेंगे हम नीचे पूल में। आप भी ना होगे? मैं नहीं। हम जैसे देखेंगे। वो एक्चुअली क्या है ना, पिंकी मासी आ रही है ना, नायरा को स्विमिंग करनी थी तो उसको स्विमिंग पूल में लेके जाएंगे। और क्या कहते हैं, वहाँ हम मस्ती करेंगे, व्लॉग व्लॉग बनाएंगे थोड़ा सा, और फिर वापस ऊपर आ जाएंगे। क्योंकि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी हाफ है ना, क्या बोलते हैं उसको, 6 months एनिवर्सरी आज। तो गाइस, एक और खुशखबरी, आज है हमारी 6 months मैरिज एनिवर्सरी। 6 महीने हो गए मुझे। 6 महीने हो गए कुछ इसके साथ। बताओ कौन शरीफ लगता है? मैं 6 महीने बताना। सबसे शरीफ मैं ही हूँ यार, ये सिर्फ ऐसी बोलती है। मेरे से सीधा लड़का ना इसे जीवन में नहीं मिल सकता था। सच्ची बता दे। बिल्कुल, आप जैसे मेरे से मैं प्यार नहीं करता। प्यार की बात है, सीधे की बात हो रही है। हाँ तो मैं सीधा नहीं हूँ। प्यार करते तो शादी करी है हमने। एनिवर्सरी है तो इसने कहा आज का दिन ही ठीक है व्लॉगिंग दोबारा स्टार्ट करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, है ना? तो गाइस, आज मैंने पूजा करी बहुत दिन के बाद। क्या कहते हैं, कम से कम 1 वीक के बाद पूजा। मैंने भगवान जी नाराज ना हो जाए मुझसे, मैंने आज पूजा करी है। आज है शनिवार का दिन और बहुत अच्छा लगा। पता है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं जब पूजा करो ना, तो घर में भी पूरी पॉजिटिव वाइब्स हो जाती हैं। तो जैसी पूजा करी तो अच्छा अच्छा सा महसूस हुआ, फिर मैंने स्टार्ट करा अभी व्लॉग। तो गाइस, ये बच्चों के लिए कुछ बना रही है, वो जिम से आया था तो उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है। कुछ खाएगा वो यार, मुझे भी कुछ खिला दो। आप तो आलू के पराठे खाते हो? यार आलू के पराठे खाता हूँ लेकिन अभी तो भूख लग रही है, बहुत देर हो गए खाए हुए। क्या खाओगे? तो गाइस, हमने ना आज शाम को व्लॉग स्टार्ट करा है, दोपहर को लंच में, लंच ही मैंने सीधा उससे करा था, आलू के पराठे और दही से। कल रात को पता है कैसे छिपकलियां नीचे ऐसे 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 करते चल रही थी, तो गाइस फिर मिली ही नहीं। गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, इसके पीछे से यहाँ से हल्की सी मुंडी निकली हुई थी उसकी। मुंडी नहीं थी, यही घूम रही थी, यही घूम रही थी, मुंडी नहीं थी। ये आई किचन में और भागती हुई वापस, चिपकली चिपकली चिपकली। भाई इतना डरती, कुछ नहीं कहती, पता है कुछ भी। रात को क्या हो गया था आपको, उछल क्यों रहे थे कि हाय मेरे पैर में कुछ चल रहा है? यार वो वहम, भाई इंसान हूँ, वहम तो मुझे भी हो सकता है। लेकिन मैंने आज पूरा फ्रिज हटा दिया पीछे से सब कुछ, लेकिन पता नहीं कहाँ गई यार। अबे निकाल, एक स्लैब का कलर भी चिपकली निकल। इसको ना इस दरवाजे को थोड़ा खोल के रखो, तो उसके बाद यहीं से आइए भाई साहब। आप वो खोला क्यों बार बार बैल कर? वो उसको शायद दिखेगा बाहर जाने का रास्ता, तभी तो बाहर जाएगी। अब नहीं है यहाँ पे फ्रिज के पीछे। डर वो बच्चा मेरा। तो गाइस ये तो बहुत डरती है, इसके डर के चक्कर में इसने मुझे भी डरा दिया। रात को 4 बजे तक मैंने पिक्चर देखी है बैठ के, नींद नहीं आ रही थी। बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा हूँ, छिपकली यहाँ से अंदर ना जा भाई, इतना सर इतनी सी गैप में से भी अंदर आ जाती है वो। तो मैं डर रहा था, मैंने पूरी पिक्चर देखी। और आज उठाऊ 12:30 बजे सुबह, तो कैसे सुबह? नहीं, दोपहर होती है। अच्छा हाँ, दोपहर होती है यार सुबह। ठीक है भाई साहब, तो सुबह 12:30 है ना? हाँ 12:30 बजे उठाऊ में तो 8-9 बजे डंडे पड़ जाते। तो मैं सुबह उठ जाता हूँ वैसे तो, लेकिन आज लेट हो गया। फिर मेरे को भूख, उठती भूख लगी, इसने कहा जाओ सामान लेके आओ, सामान भी नहीं था।
तो फिर मैं सामान लेके आया, फिर इसने मुझे आलू के पराठे खिलाए, तब जाके मेरे अंदर एनर्जी आई, फिर मैं अब नहाया धोया हूँ और मैंने पूजा करी है, तो मैंने कहा आज से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। यार मुझे एक चीज पूछनी थी यार, इंसान नहाने के साथ नहाया धोया क्या लगाता है? कपड़े भी धोते साथ में? ये क्या होता है कि मैं नहाया धोया, हर जब भी मैं कहीं भी देखती हूँ यही बोलता है, बाहर देखो कितनी डस्ट हो रही है। नहाता हूँ और हाथ धोता हूँ तो नहाया धोया कुछ भी। ओ, देखना बाहर आंधी आ रही है, मिट्टी कहाँ आ रही है? मिट्टी वाला शहर। वैसे ही कह रही है, देखो आंधी तो चल रही है थोड़ी थोड़ी। तो गाइस देख रहे हो ये जो डेकोरेशन कराई थी इसके बर्थडे पे, मेरा प्यार देखो यार कितना सच्चा है अभी तक, हार्ट भी वैसे का वैसा ही है, हैप्पी बर्थडे भी वैसा है और लव भी वैसा है, देख रहे हो भाई। इसे प्यार कहते हैं, गुब्बारे तो पुश हो गए भाई, गुब्बारे थोड़े ही टिकेंगे लेकिन प्यार देखो, जहाँ लव लिखा है ना, ये देखो ये जहाँ लव लिखा है ना ये अभी तक टिका हुआ है, देख सकते हैं आप। प्यार प्यार ही बोलते हैं इसको, सच्चे प्यार का मतलब ही होता है जो टिक के रहे ना वही सच्चा प्यार होता है। शाबाश बेटा। चाकू चाकू से मारेगी अब? डाइट फूड बन रहा है, डाइट फूड भैया, डाइट फूड बन रहा है, जब एक जमाने में हम भी खाया करते थे डाइट फूड, पर अब नहीं खा पाते। ये सारे वापस आ जाएंगे पता है आपको? क्या ये येलो वाला सब वापस आ जाएगा और इसको मैं खाऊंगी नहीं इसमें फैट होता यार, तो फैटी चीज मत खाना, तेरा मन जो मैं दिखा क्यों ना खा ले। अरे कहना क्या चाहते हो? खा ले। अभी भैया रच्चू खाएगा तो इसके बाद बनाएंगे हम शॉर्ट्स, आज शॉर्ट्स भी बनाएंगे बहुत सारे, आ जाएगा मजा है। तो गाइस फाइनली हमने शॉर्ट्स बनाए और बहुत अच्छे और बहुत शानदार और बहुत सारे डालेंगे। प्लीज बहुत सारे सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमें बताना कि शॉर्ट्स कैसे बन रहे हैं। क्यों मजा आया आज? यस, इतने शानदार बनाया ना, देखना आप लोग। तो गाइस मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, अब प्रिया को बोलता हूँ कुछ खाने को खिला दे मेरे को, बहुत ज्यादा तेज भूख लग रही है। शॉर्ट्स वॉर्ट सब रेडी हो गए हैं, डन हो गए हैं और आइए चलिए प्रिया से बोलते हैं। बेबी कुछ खाने को दे दो। क्या होगा? मैगी मैगी दे दो और साथ में एक ग्लास टैंग दे दो। तो गाइस प्रिया को बोल दिया है, वो मेरे लिए मैगी बना दी है और साथ में कुछ पीने को देगी, टैंग वैंग या रूबजा जो भी, और पहले खा लेते हैं फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस देखिए ये मम्मी और दीदी से बात कर रही है वीडियो कॉल पे, और देखो वीडियो कॉल पे मम्मी पापा मम्मी और दीदी से बात कर रही है और बाली घूमने गई हुई है। ब्लॉगर ब्लॉगर क्षितिज जॉली, ये देखो मेरी बहना बाली, दिखाओ सबको। तो गाइस ये देखो नायरा आ चुकी है, अब ये स्विमिंग करेगी हमारी सोसाइटी में, आज ये मेरे पास आई है शाम को इवनिंग स्पेंड करने, है ना नायरा? चलो पूल में। तो गाइस प्रिया आ गई है नीचे पूल के पास नायरा को लेके स्विमिंग के लिए, और मैं जा रहा हूँ कुछ नीचे सामान लेने, जल्दी से जाता हूँ सामान ले आता हूँ, तब तक प्रिया भी आ जाएगी। तो गाइस ये नायरा कर रही है मस्ती फन, ये नायरा मजा आ रहा है। तो गाइस मैं आया हूँ नीचे और मौसा जी के साथ आया था, मौसा जी को सामान लेने गए हैं, और जो प्यारी हवा चल रही है ना आपको दिखाऊंगा, कितनी प्यारी हवा है, बाल उठते हुए देख रहे होंगे आपको, इतना मजा आ रहा है ना मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत ऑसम वेदर हो रहा है इस टाइम, ठंडा चिल्ड। तो गाइस सामान ले लिया था, अब जा रहे हैं हम क्लब स्विमिंग पूल की साइड जहाँ प्रिया है, एक बार नायरू को देखाते हैं, मौसा जी का मन था देखने का तो एक बार देख के आते हैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं ऊपर क्योंकि वो प्राइवेट पूल था तो वहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं था क्योंकि आज बहुत रश था, वीकेंड है, तो अब जा रहे हैं ऊपर और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस हम आ गए हैं घर और सामान भी ले आए जो मौसा जी को चाहिए था, प्रिया कर रही है खाने की तैयारी डिनर की, तो आपको दिखाते रहेंगे। गाइस आ गई अपनी फेवरेट जगह पे, बना रही हूँ आलू मटर और साथ में एंजॉय कर रही हूँ अपना मिल्क शेक। आपको बताना
रूह अफजा फ्रिज में रखने में ऐसा क्यों हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया। टेस्ट में तो अच्छा है। तो गाइस ये तो कर रहे हैं बातें बाहर बैठ के बहुत सारी, और थोड़ा सा खाना ऑर्डर करा है हमने, चिली पनीर और बटर रोटी, उसका वेट कर रहे हैं, आता है फिर डिनर करते हैं। तो गाइस डिनर आ गया है, मैं जल्दी से चेंज कर लेता हूँ फिर उसके बाद करेंगे डिनर। तो गाइस यहाँ चल रही है डिनर की तैयारी, ये है हमारा चिली पनीर, ये है दाल, ये है आलू मटर, चपाती। तो आइए खाते हैं, करते हैं डिनर। तो गाइस मैंने और प्रिया ने डिनर कर लिया है, तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। कीप वॉचिंग प्रत्यक्ष ब्लॉग्स, जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। गुड नाइट।